हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यूट्रीफिट बॉडी एंड सोल। आज की इस वीडियो में बनाऊंगी मंचा सूप, जो कि बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम उसमें डालेंगे क्रश्ड गार्लिक। इसको हम बहुत ही अच्छे से रोस्ट करेंगे। जो गार्लिक है उसका कच्चा स्मेल बिल्कुल निकल जाना चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड जिंजर। अब हम दोनों को बहुत ही अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं स्प्रिंग अनियन का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, उसको फाइन चॉप करके। ये जो ब्रॉथ के अंदर टेस्ट आता है, इस सब वेजिटेबल्स को अच्छे से रोस्ट करने के बाद बहुत ही अच्छा ब्रॉथ बनता है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप ऑफ चॉप्ड अनियन। जब अनियन अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारी वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने डाली है ऑलमोस्ट 3/4 कप ऑफ कैरेट, 3/4 कप ऑफ कैबेज, 3/4 कप ऑफ मशरूम, 1/2 कप ऑफ टमेटोस, 1/2 कप ऑफ स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट। अब हम इन सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसको सॉटे होने में ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स लगेंगे, जिससे कि इनका सारा फ्लेवर अच्छे से निकल के आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 4 कप्स ऑफ वाटर। आप जितने मेंबर्स के लिए सूप बना रहे हैं, उस हिसाब से वेजिटेबल और वाटर को एडजस्ट कर सकते हैं। इस क्वांटिटी में 4 सर्विंग्स बनेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ विनेगर। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस। फिर हम इस ब्रॉथ को सीजन करेंगे सॉल्ट के साथ। ध्यान रखिएगा, सोया सॉस भी सॉल्टी होता है, तो सॉल्ट अकॉर्डिंगली डालें। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। फिर हम इसको स्टर करके एक बॉईल आने देंगे। इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक कुक होने देंगे, जिससे कि जो फ्लेवर्स हैं वो ब्रॉथ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ब्रॉथ बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पनीर की क्यूब्स। पनीर को यहाँ पे छोटा छोटा बाइट साइज में ही काटना है। आप चाहें तो पनीर को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें प्रोटीन का कॉन्टेंट बढ़ाने के लिए आप पनीर ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस ब्रॉथ को आप तब तक कुक करें जब तक जो वेजिटेबल्स है वो कुक ना हो चुके हैं और ब्रॉथ में अच्छा फ्लेवर ना आ गया हो। इसके बाद हमने ऐड करा है यहाँ पे स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा फ्रेश क्रंच के लिए और फ्रेश फ्लेवर के लिए। और ये हमारा सूप बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो फिर चलिए सर्व करते हैं हम अपने सूप को। ये सूप खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इससे आपको सारे वेजिटेबल्स के फाइबर मिलता है, मिनरल्स विटामिंस मिलते हैं, और अगर आप प्रोटीन के लिए पनीर भी ऐड करते हैं तो ये सूप जो है बहुत ही फिलिंग बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आई एम श्योर आपको और आपकी फैमिली को ये सूप बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ऐसी बहुत सी हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।